आज हम एक चाइनीज डिश चिली पनीर बनाएंगे। चिली पनीर एज ए स्टार्टर पार्टी में या रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है और जिसका टेस्ट बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है। चिली पनीर घर पे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में आप टेस्टी चिली पनीर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देखें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चिली पनीर बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के कैप्सिकम और 2 प्याज चाहिए। चाइनीज कुकिंग में वेजिटेबल कटिंग का एक अलग ही तरीका होता है। कैप्सिकम को ऐसे लंबा कट करके बीच वाला जो ये व्हाइट हिस्सा है वो निकाल देंगे और बीच में से इस तरह से 2 टुकड़े करेंगे, यानी कि हमें इसे चौकर टुकड़ों में कट करना है, जिसे डाइस कट कटिंग बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़े पसंद नहीं है कैप्सिकम तो आप इस तरह से थोड़े से छोटे भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्याज को भी हमें चौकर टुकड़ों में कट कर लेना है, बीच वाला ये हिस्से निकाल दें ताकि हम इसे आसानी से अलग कर सके। बीच में से 2 बड़े टुकड़े करके एक चाकू की मदद से हम इस तरह से उसका ऊपर का जो लेयर है उसे उठाएंगे ताकि वो आसानी से अलग हो जाए। इस तरह से हमें सभी लेयर को एक एक करके निकाल लेना है। कैप्सिकम और प्याज को मैंने चौकर टुकड़ों में यानी कि डाइस कट कर लिया है। अब हम पनीर को भी इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर ली है। पनीर को भी हमें चौकर टुकड़ों में कट करना है और थोड़ा सा इस तरह से मोटा रखना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये टूट ना जाए। इतनी क्वांटिटी में से आप 4 से 5 लोगों के लिए चिली पनीर बना सकते हैं। अब इसके ऊपर 2 चम्मच जितना हमें कॉर्नफ्लोर छिड़कना है। कॉर्नफ्लोर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से पनीर को मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर के ऊपर कॉर्नफ्लोर, नमक और मिर्च का एक अच्छा सा लेयर बन जाए। पनीर को हमें अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर से कोट कर लेना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये क्रिस्पी हो जाए और जब हम चिली पनीर बनाए तो इसके अंदर सॉस डाले तो उसका जो ऊपर वाला लेयर है कॉर्नफ्लोर का वो सॉस को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। 5 से 10 मिनट के लिए पनीर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और एक पैन में तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल गरम हो जाने पर उसके अंदर हम पनीर को शैलो फ्राई कर देंगे। आप चाहे तो पनीर को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम अभी हमें मीडियम टू स्लो रखनी है। 2 से 3 मिनट हो जाने पर पनीर को हम इस तरह से पलट देंगे। सभी पनीर को हमें इस तरह से पलट देना है। फिर से थोड़ी देर के बाद हम उसे दूसरी ओर पलट देंगे ताकि सभी ओर से पनीर अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। पनीर का कलर जब हल्का सा इस तरह से ब्राउन दिखाई दे तब पनीर को हम निकाल देंगे। पनीर को हमने कॉर्नफ्लोर से कोट कर लिया था तो फ्राई होने की वजह से पनीर अभी बहुत ही क्रिस्पी बन गया है और जब हम इसके अंदर मसाला और सॉस डालेंगे तो ये पनीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। पनीर को शैलो फ्राई करने के बाद जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देंगे और 2 से 3 चम्मच जितना तेल पैन के अंदर रहने देंगे। अब उसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये मैंने घर में बनाई हुई पेस्ट है। आप जो मार्केट में रेडी पेस्ट मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को फास्ट कर देना है। चाइनीज कुकिंग में जैसे वेजिटेबल को अलग तरीके से कट किया जाता है वैसे ही चाइनीज खाना बनाते वक्त आपको हमेशा गैस की जो फ्लेम है वो फास्ट रखनी है, यानी कि इसे तेज आंच पर बनाना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक और
लहसुन की पेस्ट को हम सौते कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट जब अच्छे से सौते हो जाए तब उसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर सौते कर लेंगे। प्याज को हमें 100% पकाना नहीं है लेकिन 80% तक ही पकाना है, यानी कि उसे थोड़ा कच्चा रखना है। जब आप प्याज खाते वक्त बाइट करो तो उसका कच्चापन आपको महसूस होना चाहिए, बस उतना ही हमें इसे सौते करना है जो 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से हो जाएगा। अब इसके अंदर हम कैप्सिकम डालेंगे। कई जगह पर चिली पनीर में रेड और येलो कैप्सिकम का भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको वो पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम ही डाले हैं। कैप्सिकम को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। बाद में उसमें 2 चम्मच डार्क सोया सॉस मिलाएंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल वाला सोया सॉस भी डाल सकते हैं। डार्क सोया सॉस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है और उससे कलर थोड़ा सा डार्क आता है। अब उसी बाउल में हम 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और वो भी इसके अंदर मिला देंगे। ऐसा करने से जो सोया सॉस बाउल के अंदर होगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें 2 बड़े चम्मच चिली पनीर मसाला डालेंगे। ये मसाला भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। चिली पनीर में मिर्ची होती है तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर नहीं डाला है। अब इसमें 2 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काटकर डालेंगे। यहाँ पर मैंने तीखी वाली हरी मिर्च नहीं ली है, जो मीडियम आती है वो ही ली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी प्याज डालेंगे, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक आप बहुत ही सावधानी से डालें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और पनीर में भी हमने कोट करते वक्त थोड़ा सा नमक डाला था, तो आप थोड़ा सा नमक डालें और हो सके तो टेस्ट कर ले और फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से नमक डालें, नहीं तो हो सकता है आपका नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अब इसके अंदर हम पनीर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसके अंदर 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और उसकी स्लरी बनाएंगे, यानी कि कॉर्नफ्लोर का एक घोल बनाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब कॉर्नफ्लोर के इस घोल को हम चिली पनीर में डालेंगे। अगर आप चिली पनीर बनाकर तुरंत ही सर्व करने वाले हैं तो उसे थोड़ा सा ड्राई बनाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और उसके अंदर 1/4 कप पानी डालकर उसका घोल बनाकर डालना है। लेकिन अगर आप चिली पनीर थोड़ी देर के बाद सर्व करने वाले हैं तो आप अभी जैसे हमने किया उस तरह से घोल बनाए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले और 1/2 कप पानी ले, क्योंकि थोड़ी देर में ही कॉर्नफ्लोर का घोल पनीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसे रखेंगे गैस के ऊपर और फिर गैस बंद कर देंगे। अभी हमारा चिली पनीर बनकर तैयार है। अभी आपको इसमें थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी दिख रही है लेकिन थोड़ी देर में ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। पनीर सारा जो मॉइस्चर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। चिली पनीर को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। हरी प्याज से हम इसे गार्निश करेंगे। तो इस तरह से आप चिली पनीर घर पे बनाकर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।